सभी साथियों को एक बार नमस्कार। और इस समय हम सीएमपी कैंपस में उपस्थित हैं और आप देख पा रहे होंगे डीन ऑफिस सामने है और यहाँ पर ही जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन एग्ज़ाम के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना था वो यहीं पे जमा हो रहा है, ठीक है। और जो भी साथी किसी भी कन्फ्यूज़न में है वो यहाँ आकर फॉर्म को जमा कर सकते हैं, एप्लीकेशन को अपने। देखिए, एक आप लोगों में जो भ्रम था वो भ्रम हमें आज दूर करना है। वो भ्रम यह है आप लोगों का कि जो आप लोग अभी तक फॉर्म जमा कर रहे थे, फॉर्म न जमा करके आप लोगों को एप्लीकेशन लिख के जमा करना है, ठीक है। फॉर्म नहीं जमा करना है, आप लोगों को एप्लीकेशन लिखना है और उस एप्लीकेशन को ही यहाँ पर जमा करना है। ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट सूचना थी, सो हमने सोचा आपको ये बता दिया जाए। अगर किसी को भी कोई परेशानी हो रही है तो वो यहाँ इसी माध्यम से जो हमने बताया है, और बस अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, उसके बाद हम आपको जो है एक्सप्लेन डिटेल में कर रहे हैं। तब तक सभी अपने प्रिय साथी जो हों, जितने भी आपके ग्रुप हों, सभी में शेयर कर दीजिए। तो देखिए, हम आपको बता दें ये एप्लीकेशन है, इसे आप देख सकते हैं और इसी तरीके से आपको एप्लीकेशन लिख के जमा करना है, ठीक है। और ये आपकी फ़ीस रसीद होगी, इसी तरीके से फ़ीस रसीद आपको मिली होगी, इसे भी आप साथ में जमा करेंगे। और इन दोनों के साथ अगर आपके पास आई कार्ड है, आपका आइडेंटिटी कार्ड, तो आप आई कार्ड को भी जमा कर सकते हैं। और मैं आपको एक बार ये एप्लीकेशन जो है वो पढ़ के सुना देता हूँ कि मेरा एप्लीकेशन किस तरीके से है, आपको भी उसी तरीके से लिख के यहाँ पर जमा करना है, ठीक है। तो देखिए, लिखा गया है इसमें सेवा में श्रीमान कुलपति महोदया, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय यूपी। विषय क्या है, उसके बाद विषय वहाँ पर हेडिंग डाल के लिखेंगे ऑनलाइन परीक्षा के संदर्भ में, फिर नीचे लिखेंगे महोदया, फिर वहाँ से कामा देकर नीचे वाली लाइन से फिर लिखेंगे सविनय निवेदन है कि प्रार्थी, आप अपना नाम लिखेंगे, बीए थर्ड ईयर या फिर जो भी ईयर है आपका, हमारा थर्ड ईयर है इसलिए हमने थर्ड ईयर यहाँ पर लिखा है, का इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगर आप किसी संगठक कॉलेज के छात्र हैं, ठीक है, तो आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बाद क्वेश्चन में अपने संगठक कॉलेज का नाम लिखेंगे। और अगर आप कैंपस के छात्र हैं तो वहाँ पर आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय लिख देंगे, इतना पर्याप्त रहेगा। का छात्र हूँ, ठीक है, इसके बाद पूर्ण विराम देकर फिर से लिखेंगे, फिर वहाँ से लिखेंगे कोरोना काल को देखते हुए तथा ऑनलाइन कक्षाओं की निमित्ता को देखते हुए और वर्तमान समय की छात्र हितों को देखते हुए वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से कराने की कृपा करें। फिर पूर्ण विराम देकर आप नीचे वाली लाइन में आएंगे, वहां से लिखेंगे अतः आपसे निवेदन है कि उपयुक्त कथन पर ध्यान देते हुए शीघ्र निर्णय देने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। तो देखिए, इसके बाद दिनांक डालेंगे, जो भी दिनांक है, जिस दिनांक को आप जमा कर रहे हैं, पहले तो आप ये प्रयास कीजिए कि आज ही लगभग सभी लोग जितने भी छात्र हैं वो जमा कर दें, अपने अपने संगठन कॉलेज में जाकर जमा कर सकते हैं या अगर कैंपस के हैं तो कैंपस में जमा कीजिए। इसके बाद प्रार्थी लिखेंगे बगल में और प्रार्थी लिखने के बाद वहाँ अपना नाम लिखेंगे, नाम, उसके बाद नामांकन संख्या लिखेंगे, जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है, फिर उसके बाद अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। और अगर इसके बाद कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, जैसा कि इसके बाद बताया हूँ, या तो आप फीस रिसिप्ट की फोटोकॉपी या तो आप जो है आई कार्ड या फिर आधार कार्ड, तीनों लगा सकते हैं, लेकिन फीस रसीद जो है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। और उसके बाद आपको रिसीविंग के तौर पे जो है सीएमपी में भी जो मोहर वगैरह लगा रहे हैं उसका आप फोटो ले सकते हैं। और रिसीविंग आप ज़रूर अपने पास रखिए, क्योंकि कभी भी कोई भी विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई भरोसा नहीं है, वो कब क्या कर दे कोई भी भरोसा नहीं है, ठीक है, इसलिए आप अपने पास रिसीविंग जरूर रखिएगा। और अगर कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज इतना, आप देख सकते हैं कि सीएमपी का जो माहौल है वहाँ पर काफ़ी संख्या में स्टूडेंट यहाँ पर उपस्थित है और वो लगभग आज हमें उम्मीद है कि लगभग सारे फॉर्म आज फिल हो जाएंगे।
जो छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं वो अपने दोस्तों से संपर्क करें, अपने साथियों से संपर्क करें, ताकि वो उनके फॉर्म को यहाँ पर फिल करा सकें, किसी न किसी माध्यम से जरूर करा देंगे। और हर फ्रेंड जरूर होगा जो आपका सहयोग करेगा, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप एक बार यहाँ का नज़ारा देख लीजिएगा। सीएमपी का कहाँ जमा करना है, ये आपका डीन ऑफिस है, यहाँ आपका जमा करेंगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आप प्रिंसिपल ऑफिस जाकर डायरेक्ट बात कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफिस आपको दिखा देते हैं एक बार, यहाँ सामने आपको प्रिंसिपल ऑफिस देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं सामने, यहाँ कह सकते हैं जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट है उसी के नीचे है, हिंदी डिपार्टमेंट भी यहीं पर है, उसी के नीचे है जस्ट। तो ये थी आज की जानकारी, इसके लिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और ये देख लीजिएगा, आप गेट से जैसे ही अंदर आएंगे, ठीक है, ये आपका मेन गेट है सामने, यहाँ से जैसे ही अंदर आएंगे सीधे यहाँ पर सामने आने के बाद ये डीन ऑफिस है, यहाँ पर आप जमा करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद आप लोगों का, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।